हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है एस्पैरेगस फर्न। फर्न्स की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये दिखाऊँ आप लोगों को, तो फ्रेंड्स ये भी फ़र्न की एक वैरायटी है, लेकिन इसका नाम फॉक्सटेल फर्न है। वो इसलिए इसका नाम फॉक्सटेल फर्न है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल फॉक्स की पूंछ की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है फॉक्सटेल फर्न। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बल्ब से ग्रो किए जाते हैं, जिसको राइजोम्स भी कहा जाता है। मूंगफली के दाने के जैसे छोटे छोटे होते हैं। तो आज इसी प्लांट की देखभाल शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। एस्पैरेगस फर्न एक फ्रेंड्स आउटडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आउटडोर रहता है बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें, लेकिन ऐसी जगह में प्लेस करें जहाँ पे इसे 2-3 घंटे की धूप तो मिल ही जाए, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती रहती है। अब बात करते हैं कि जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप किस तरह के पॉट का इस्तेमाल करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर आप, वैसे तो आप किसी भी तरह के पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है वो मिट्टी के पॉट में और सीमेंट के पॉट में इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं मूँगफली के दाने के जैसे, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे अगर बहुत लंबे टाइम तक इसकी जड़ों में पानी जमा रहता है, तो वो गलने लगते हैं और धीरे धीरे आपका जो प्लांट है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी देने की गलती इसमें कभी ना करें। अगर दे भी दिया हो तो उसमें दोबारा पानी तभी दें जब उसकी मिट्टी पूरी तरह गमले की सूख जाए, वरना जो प्लांट है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप इसको कोशिश करें कि सीमेंट या मिट्टी के पॉट में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के पॉट में अगर आप ज़्यादा पानी डाल भी देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं या सीमेंट के पॉट्स होते हैं वो सोख लेते हैं अपने मिट्टी में, सीमेंट अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि प्लांट जो है वो मरने से बचा रहता है कई हद तक। तो वो ज़्यादा अच्छे पॉट्स होते हैं इन पौधों को लगाने के लिए। वैसे तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये पौधे, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं और नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। अब मिट्टी की बात करें कि किस तरह की पॉटिंग मिक्स चाहिए इन पौधों को लगाने के लिए, तो फ्रेंड्स ये सिर्फ मिट्टी में भी लग जाते हैं ये प्लांट्स। बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं भी करेंगे, सिर्फ खाद टाइमली डालेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो हरे भरे बने रहेंगे। तो आप मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो अच्छा है, उससे अच्छा और मिट्टी अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ और अच्छी होती है, तो आप एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा सैंड, जिसको बालू, रेत, बजरी भी कहते हैं, वो मिला सकते हैं। अगर सैंड नहीं है आप लोगों के पास, रेत, तो उसके उसकी जगह पे आप इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक हिस्सा आप इसमें गोबर की खाद या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे खाद होते हैं इस तरह के पौधों के लिए। क्योंकि लीफी प्लांट्स हैं, पत्तियों वाले प्लांट्स में आप वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप उसमें एक साथ मिला के फिर इसकी रिपोर्टिंग करें कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक इसको शेडेड एरिया में रखें, उसके बाद फिर उसको आउटडोर बाहर निकाल दें धूप में, ताकि ये अपनी अच्छी ग्रोथ करता रहे। अगर आप इसको कम्प्लीटली इंडोर रखते हैं तो कुछ दिनों तक प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है, लेकिन उसके बाद धूप ना मिलने की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है एकदम से रुक जाती है। आपके प्लांट्स की पत्तियां झड़ने लगेंगी, पीली होने लगेंगी, क्योंकि पानी भी बहुत जल्दी नहीं सूख पाता है अगर आप घर के अंदर प्लांट्स को रखें तो। तो धूप मिलना बहुत ज़रूरी है, धूप की वजह से ही ये जो प्लांट्स हैं अपनी ग्रोथ को अच्छी तरह से कर पाते हैं और आपका जो प्लांट है वो सुंदर बना रहता है, हेल्दी बना रहता है। पानी की बात करूं फ्रेंड्स, तो बता दिया मैंने कि एक बार पानी देने के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से सूखने लगती है तभी इसमें पानी दिया करें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इस बात का ध्यान रखें।
खाद के लिए जब आप रिपोर्टिंग करते हैं प्लांट को, उसके कुछ एक डेढ़ महीने के बाद आप दोबारा से इसमें महीने में आप सिर्फ अगर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से महीने में एक बार डाल दिया करें। और उसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र अगर डालना चाहते हैं अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, इसको लश ग्रीन बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, तो वो है एप्सम सॉल्ट और साथ में एनपीके का एक चम्मच, एक चम्मच एप्सम सॉल्ट और एक चम्मच एनपीके, दोनों को मिक्स करके फिर इसकी मिट्टी में डाल देती हूँ और बाकी जो बचा पानी होता है स्प्रे कर देती हूँ इसकी सारी पत्तियों पे। इससे एप्सम सॉल्ट डालने से और एनपीके डालने से फ्रेंड्स इसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की लश ग्रीन हो जाती है, और एप्सम सॉल्ट जो होता है प्लांट्स को मजबूती प्रदान करता है जड़ों को, और बहुत हेल्दी बनाने में और इसको लश ग्रीन बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप एनपीके और एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाहें तो मंथ में दो बार, यानी कि वीक में आप इसमें दो वीक के बाद हर 15 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दो बार हो जाएगा 15 दिन में अगर आप इस्तेमाल करें तो, मंथ में दो बार इस्तेमाल करें, स्प्रे कर दिया करें पानी और बाकी बचा इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं, उससे ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं, ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो होता है लीफी प्लांट्स के लिए वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो प्लांट्स की अगर पत्तियां नहीं आ रही है आपके प्लांट्स की तो उसमें आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालें, जो कि गोबर की खाद में अच्छी मात्रा में होता है नाइट्रोजन, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को। और धूप में तो बता ही दिया मैंने कि कम्प्लीटली आउटडोर रखें, और तो कीड़े मकौड़े का भी टेंशन नहीं होता है, धूप में रखने से पौधों को कीड़े मकौड़े बहुत कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं, बस बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें, वरना आपका जो प्लांट है फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी ख़राब होने में वक्त नहीं लगेगा। और पानी बहुत बैलेंस्ड वे में दें तो आपका जो प्लांट है हमेशा हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।